लंबे समय से बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 10 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। राजद से गठबंधन के साथ पिछली बार वह 9 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से एकमात्र किशनगंज में सफल रही थी। तब राजद के विरोधी गठबंधन को इसी एक सीट से संतोष करना पड़ा था। इसी दम पर कांग्रेस अपनी मांग आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में 16 सांसदों वाला जदयू भी है। कांग्रेस की पसंदीदा कुछ सीटों पर जदयू काबिज है, तो कुछ पर वाम दल भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में लालू नीतीश का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। बिहार में कांग्रेस की अर्जी वैसे भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से होकर ही आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के उनसे अच्छे रिश्ते हैं। इस भरोसे कांग्रेस 9 से 10 सीटों की आस पाले हुए है और राजद जदयू भी इत्मीनान में है कि वास्तविक हिस्सेदारी पाकर कांग्रेस संतोष कर लेगी। राजद के एक नेता की माने तो यह वास्तविक हिस्सेदारी 5-6 सीटों से अधिक की नहीं बनती। पुराने प्रदर्शन और जातिगत समीकरण के साथ जीत की संभावना के आधार पर ही सीटें तय होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज के साथ कटिहार, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पर कांग्रेस की दावेदारी है। वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, मुंगेर और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र अब उसकी पहली पसंद नहीं रहे। इस बार की सूची में जुड़ने वाली दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पसंदीदा नई सीटें हैं, शेष पुरानी। वाल्मीकि नगर के साथ कटिहार और समस्तीपुर पर माले का भी दावेदारी है। बेगूसराय पर भाकपा दावा ठोक रही तो समस्तीपुर पर माकपा। पेचीदा लगने वाली ये दावेदारियां ही समझौते की राह आसान करेंगी। कांग्रेस को उसकी दावेदारी से अलग आधी की हिस्सेदारी पर मना लेने का यह बढ़िया आधार होगा। दावेदारी का पहला आधार सामान्यतः सीटिंग के साथ निकटतम मुकाबले वाली सीट होती है। अपनी सूची से इस बार कांग्रेस ही इस फॉर्मूले को ध्वस्त कर रही है। पिछली बार हारी हुई सभी 8 सीटों पर वह निकटतम प्रतिद्वंदी रही थी, उनमें से 4 पर वह दावा ही नहीं कर रही। जिन नई सीटों पर उसकी दावेदारी है उनमें से नवादा और पूर्वी चंपारण को राजद अपने लिए अनुकूल पा रही है। पूर्वी चंपारण पर अखिलेश सिंह की नजर बताई जा रही है। दरभंगा में जदयू पहले से पसीना बहा रही है और मधुबनी का जातिगत समीकरण राजद को भाता है। ऐसी उलझन कमोवेश हर सीट पर है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और राजद के रवैये से नाराज हैं। नीतीश को इसका साफ संकेत मिल चुका है कि कांग्रेस जिस तरह राजद के साथ मजबूती और विश्वास के साथ खड़ी है, उतनी जेडीयू पर विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में नीतीश आशंकित भी हैं। विपक्षी दल के गठबंधन की पहली बैठक जब पटना में हुई थी, तब जिस तरह नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा हुई थी, उसके बाद के बैठकों में इस चर्चा पर न केवल विराम लग गया बल्कि गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठती नजर आई। इसी के बाद माहौल बदला बदला सा लग रहा है।